मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत मी। तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो। गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठला। भाऊनी पार्थ चरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं, या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत, या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द किए जाने के बाद ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा काफी गर्मा गया है। इसके अलावा ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय नेता अब राकापा के गले में हैं। चंद्रपुर जिले में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द किए जाने के बाद ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा काफी गर्मा गया है। इसके अलावा ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय नेता अब राकापा के पाले में है। चंद्रपुर जिले में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। विदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े राकापा में शामिल हो गए। वह पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह मुंबई के यशवंतराव प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था। श्री अशोक जीवतोड़े चंद्रपुर और विदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी है। कहा जाता है कि जीवतोड़े के पार्टी में आने के साथ ही राकापा ने भाजपा के करीबी नेता को छीन लिया है। विदर्भ के विभिन्न जिलों में फैले शैक्षणिक स्थानों और ओबीसी फेडरेशन के माध्यम से डॉक्टर जीवतोड़े के रूप में एनसीपी को जिले में एक मजबूत नेता मिला है। अभी चंद्रपुर में जो एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थ समाचार, बड़ी अच्छी बात है। इनके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि एक जर्नलिज्म को पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिनांक 14 जुलाई 2021 को सुबह 8:15 पर नगर निगम चंद्रपुर के पठानपुरा भीवापुर वार्ड 14 स्थित राजीव गांधी उद्यान में वॉकिंग ट्रैक का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन समारोह नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पार्षद वार्ड नंदू नागरकर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। खुशबू चौधरी पार्षद, मंगला अखारे और वार्ड 8 की पार्षद सुनीता लोढ़िया, वरिष्ठ नागरिक सुरेंद्र पाटिल, श्रीराम चाहरे, प्रभाकर चाहरे, वसंत चाहरे, रमेश भूटे, वासुदेव भूटे, रामदास बांकर, मसराम गुरुजी और उनकी पूरी योग टीम, श्याम धोपत, अजय वेरागड़े, रविंद्र चाहरे के उपस्थिति में उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक चेहरे अंकुश चौधरी, जितेंद्र विरानी और नरेश रेवणकर के साथ आजाद गार्डन की पूरी टीम, सचिन चाहरे, राकेश चाहरे, शोभा वाघमारे, नगर व्यायाम शाला चंद्रपुर की पूरी टीम, कालाराम क्रीड़ा मंडल की पूरी टीम और बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग इस मौके पर उपस्थित थे। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भाचे शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माझे मित्र राजेजी नायडू, संपादक पार्थ समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे। ज्या निमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने, म्हणजे या समाचाराच्या पार्थाच्या समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद।
मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रेवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पातुशार समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ।